नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टेक हिंदी पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन थॉमसन कंपनी की वॉशिंग मशीन जो कि है 6.5 kg, जिसे हमने Flipkart से परचेस किया है। दोस्तों आज हम इसका आपके लिए फुल रिव्यू करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू की जानकारी तुरंत मिल जाए। दोस्तों यह जो वॉशिंग मशीन है, हमने Flipkart से इसको परचेस किया है। यह हमने एक विलेज एरिया में मंगवाया है जो कि बहुत आसानी से आ गया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉक्स पहले से पूरी तरह से सील है, पैक है। अब इसे हम ओपन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमें किस टाइप की मशीन देखने को मिलती है। इसे काफ़ी सेफ्टी के साथ लाया गया है, इसमें किसी तरह की ऐसी कोई टूट फूट नज़र नहीं आ रही, जिससे कि हमें यह आशंका हो सके कि शायद कुछ डैमेज हुआ होगा। लेकिन ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पैक होकर आई है, हमें नहीं लगता कि अंदर प्रोडक्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा होगा। तो चलिए हम इसकी सीलिंग को हटाते हैं और इसे देखते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है ताकि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो सके। बेहतरीन पैकेजिंग है जो Flipkart के द्वारा की गई है और इसमें प्लास्टिक की कोटिंग भी है चारों तरफ से। एक इंटरनल कोटिंग है और एक ऊपरी कोटिंग है जो इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, और ये चारों तरफ से फुली प्रोटेक्ट है। चलिए हम इसकी पॉलीथीन को हटाते हैं। देख रहे हैं जैसा कि आप इसमें इसका जो वॉशिंग के ऊपर का साइड है, उसमें एक फर्स्ट क्लास सी एक बास्केट दी हुई है जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं, उसे हाथ से उठा सकते हैं। आपको शायद इसमें किसी बाल्टी की ज़रूरत ना पड़े, आप सारा काम इसी से कर सकते हैं। मुझे तो यह बहुत पसंद आई। किसी किसी मशीन में एक ढक्कन दे देते हैं, लेकिन ये ढक्कन से ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है। पहले की मशीनों में एक बैग देते थे जिसमें कुछ बैग में क्या होता था क्या नहीं होता था उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मुझे अलग से नज़र आ रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें दिया हुआ है जो कि अदर मशीनों में अब जो 2 साल या 3 साल पहले आती थी उनमें नहीं था। जो भी रहता था उसमें एक बैग लगा हुआ होता था, लेकिन अब ये कुछ अलग दे रहे हैं इसमें। ये इसमें पाइप है, मैनुअल है, एक ड्रायर का ढक्कन भी है। ये ड्रायर है, आसानी से इसको आप खोल सकते हैं। इसके ऊपर भी एक टेपिंग करी हुई है, सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा है कंपनी ने। इसके अंदर भी एक फॉर्म का टुकड़ा रखा हुआ है ताकि ये बराबर बना रहे। ड्रायर भी काफ़ी बड़ा है, जैसे कि साइज होता है 6.5 का या 7 का या 7.5। 8 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वरना 6.5 या 7 या 7.5 लगभग एक जैसा ही होता है। ये आपका वॉशिंग बटन है, इसमें लिखा भी हुआ है 6.5। ये आपका 2 वॉश सिस्टम बटन है, ये ड्रायर बटन है,
थॉमसन एक इंडियन कंपनी है जिसमें 5-star रेटिंग दी हुई है। अभी ये न्यू लॉन्च ही है, लगभग 2-4 महीने पहले से इसकी मशीनें आना स्टार्ट हुई हैं। मार्केट में इसका रिस्पांस कैसा है ये तो यूज करने के बाद पता चलेगा, अभी तो हम आपके लिए इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे रहे हैं। फुल इन फाइनल कैसा चलता है ये 2-4 महीने चलाने के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें इसका जो प्लग है उसको फंसाने का भी एक पीछे अच्छा फीचर्स दिया गया है। इसमें 3 छेद दिए हुए हैं जिसमें आसानी से इसका प्लग फंस जाता है। मशीन का लुक देखें तो काफ़ी अच्छा है, गुड लुकिंग है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है ये। और इसकी जो ये बास्केट है ये भी आपके काफ़ी यूज आने वाली है, काफ़ी काम आने वाली है। अगर आप एक चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते तो आप थॉमसन का ये वॉशिंग मशीन परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसकी सर्विस कैसी है, ये वॉश कैसा करता है, ये जब मैं इसे चलाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। तो चलिए आगे आगे देखते हैं इसको कैसे सेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। पाइप इसके अंदर दिए हुए हैं, एक तो आपका पाइप पतला वाला है जो ऊपर लगेगा जिससे आप पानी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। निकालते हैं इसको बाहर। यहाँ पे आपका सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे इस पाइप को इंस्टॉल करना है और नल की टोंटी में लगा देना है जिससे आप इसमें पानी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो बाल्टी से भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पाइप को पीछे इंस्टॉल करना है, अभी देखते हैं कहाँ पे इंस्टॉल होगा। ये एक छोटा सा पाइप आपको दिख रहा है, बस इसी में इसको इंस्टॉल कर देना है। आपको घर में इसको इंस्टॉलेशन से लेकर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका हम एक सेफ्टी टैप हटा के प्लग निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, जब आपकी मर्जी हो आप इसमें आसानी से अपना प्लग फंसा सकते हैं, जब यूज ना करना हो तब। यह इसका मैनुअल कार्ड है, इसमें आप इसमें इसकी सेटिंग्स क्या हैं, इसको कैसे सेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप जान सकते हैं। ये एक सेफ्टी पिन है जो हमने पीछे वाला पाइप इंस्टॉल किया था। अगर इसको आपको टाइट करना है तो इसको इंस्टॉल करने से पहले ऊपर से लगा के थोड़ा टाइट कर दिया जाता है। मुझे ज़रूरत समझ में नहीं आई इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया। ये ढक्कन आसानी से खुल जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप जो ये देख रहे हैं, ये कपड़े डालने के बाद उसके ऊपर से लगा दिया जाता है और उसे बंद करके आप ऊपर का ढक्कन बंद करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम कनेक्शन करके देखते हैं, इसको थोड़ा रन करके देखते हैं कैसे चलता है ये।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया है और ये स्टार्ट भी हो गया है। अब इसमें इसकी वॉशिंग कैसी है इसका वीडियो हम अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। हम इसको लगभग एक महीने इस्तेमाल कर देखेंगे इसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो सब हम इसका फुल रिव्यू एक आपके लिए बनाएंगे जब हम इसे एक महीने इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम आपको और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं, या फिर दूसरी कंपनियों से क्या इसमें खासियत है और क्या कमियां हैं। फिलहाल हमने आपके लिए इसका एक छोटा रिव्यू और फुल अनबॉक्सिंग किया है। अगले वीडियो में हम आपको इसका पूरा फुल रिव्यू लेके आएंगे कि ये वॉश कैसे मिलता है। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।